तो इस वजह से हरियाणा में जीती बाजी हार गई कांग्रेस। टिकटों का गलत बंटवारा भी एक बड़ा कारण। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में टिकटों का गलत आवंटन भी कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण रहा है। जातिवाद राजनीति और नेताओं की आपसी गुटबाजी के अतिरिक्त अब कांग्रेस में टिकटों के गलत आवंटन को लेकर भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसे नेताओं को टिकट काट दिए जिनको सर्वे में पूरे नंबर मिले हुए थे, लेकिन वे टिकट आवंटित करने वाले नेताओं के निजी पैमाने पर खरा नहीं उतर पा रहे थे। कांग्रेस ने चुनाव से पहले दावा किया था कि सिर्फ जीतने वाले चेहरों पर दांव लगाया जाएगा और दो बार से अधिक चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं मिलेंगे, लेकिन जब टिकटों के आवंटन की बारी आई तो रणनीतिकारों का ये पैमाना ध्वस्त हो गया। बागी उम्मीदवारों ने डुबो दी नैया। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने आधा दर्जन सीटों पर अपनी पार्टी के बागी उम्मीदवारों को भी बैठाने की जरूरत नहीं समझी। उनकी सोच रही कि कांग्रेस 55 से 65 सीटों पर चुनाव जीत रही है, ऐसे में यदि बागियों की वजह से एक दो सीट हार भी गए तो सरकार बनाने की संभावनाओं पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के रणनीतिकारों की यही सोच उसके सरकार बनाने के इरादों पर भारी पड़ी है और पार्टी के अधिकतर ऐसे उम्मीदवार चुनाव हार गए जिन्हें पैराशूट उम्मीदवार के रूप में चुनावी रण में उतारा गया था और वास्तविक जिताऊ उम्मीदवारों की दावेदारी को अनदेखा कर दिया गया था। कांग्रेस के बागियों को बैठाने की कोई कोशिश भी पार्टी के रणनीतिकारों ने नहीं की। कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में तिगांव में पूर्व विधायक ललित नागर का टिकट काट दिया गया जबकि वो जिताऊ स्थिति में थे। बल्लभगढ़ में पूर्व मुख्य संसदीय सचिव शारदा राठौर के स्थान पर कांग्रेस मुख्यालय की पसंद की उम्मीदवार को चुनावी रण में उतार दिया गया। गोहाना में पूर्व विधायक जगबीर मलिक के प्रति भारी आक्रोश था लेकिन उन्हें चुनावी रण में उतारा गया। खरखौदा में पूर्व विधायक जयवीर वाल्मीकि को लेकर लोगों में काफी गुस्सा था लेकिन फिर भी उन्हें टिकट दिया गया। घरौंडा में तीन बार चुनाव हार चुके वीरेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया गया जो कि चौथी बार चुनाव हार गए।